नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इकोनॉमिक एंड पब्लिक पॉलिसी हम डेली करंट अफेयर सीरीज में। ये पार्ट वन होगा 23 सितंबर के। हम सारे इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था से रिलेटेड सारी जितनी भी न्यूज एग्जाम परस्पेक्टिव से हम कवर करेंगे। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। न्यूज आ रही है कि 21 स्टेट्स जो हैं, 21 राज्य और यूनियन टेरिटरी इंक्लूड करके इन्होंने एग्री कर लिया है या अपनी सहमति व्यक्त कर दी है, जो 97,000 करोड़ का जो ऑप्शन दिया गया था आरबीआई का फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा कि जीएसटी की पेमेंट्स को लेकर के, तो इन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, जिससे कि काफी सरल हो जाएगा। अगर ये वोटिंग के लिए जाता है जीएसटी काउंसिल के अंदर, तो ये आसानी से पास हो जाएगा, क्योंकि इसमें 20 स्टेट्स की रजामंदी चाहिए अगर वोटिंग रिक्वायर्ड होती है, जिसमें सेंटर का जो स्टेक है वो 33% है। तो ये काफी आसान हो जाएगा, वोटिंग की नौबत ना आए, वो फेडरल स्ट्रक्चर के लिए नहीं होगा। लेकिन कुछ स्टेट्स, जिस तरीके से आपका वेस्ट बंगाल है, आपका पंजाब है, आपका केरला है, जिस तरीके का इनका स्ट्रांग अपोजिशन है, उसको लेके कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, और इन राज्यों के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऑप्शन है। तो अभी देखते हैं आगे किस तरीके से शेप करेगा, लेकिन फिलहाल सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए राहत की बात है। चलिए हम आगे चलते हैं। इसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है वो ये है कि शॉर्ट एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। नए एक्सटर्नल जो एमपीसी मेंबर्स हैं, यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो मेंबर्स होंगे, वो 28 तारीख तक नए एक्सटर्नल मेंबर्स का अनाउंसमेंट हो जाएगा, ऐसा आरबीआई की तरफ से कहना है। तो उन्होंने सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर किया, उस पर मंथन किया, उस पर चिंतन किया, उसके बाद डिसीजन लिया गया कि एक फ्रेश टीम्स ऑफ एक एक्सटर्नल मेंबर्स की उन्हें चाहिए, तो ये अनाउंस हो जाएगा। और एमपीसी कितने इंपॉर्टेंट है ये हम सभी जानते हैं। जिस तरीके से उन्होंने बेसिस रेट्स घटाए थे, जिस तरह से अर्थव्यवस्था की जो हालत है उसमें आरबीआई को ही फ्रंट लीड लेनी पड़ेगी। एक तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर काफी उम्मीदों से आरबीआई की तरफ देख रहे हैं, लेकिन आरबीआई फिलहाल हाथ खड़ी करती हुई नजर आ रही है। चलिए हम इसको आगे देखते हैं। इसके बाद जो ये वाली न्यूज है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया इंक ने जो लोन रिकास्ट की जो कामत कमेटी के सजेशन जो आरबीआई ने मान लिए थे, उसके मद्देनजर वो पहले थोड़े मुश्किल लग रहे थे, उसमें डेडलाइंस का भी एक इशू था, तो काफी सारी चीजों के बावजूद उसमें इंडियन इंक ने उसको थोड़ा सा एक दिक्कत हो गया है इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट्स को लेके। तो उसमें एक तरीके से एक तरीके का क्रैक इसमें दिखा गया है, जो इनकी अर्ली रिस्ट्रक्चरिंग है ट्रबल्ड लोन्स को लेके, जिसमें बैंक जो है उनकी ओपिनियन जो है अभी एक राय नहीं है, वो डिवाइडेड है, और उनके बीच में एक इनफॉर्मल कंसेंसस हो गया प्राइवेट बैंक्स के दरमियान में। तो इसमें यह देखा गया है कि जो एडिशनल प्रोविजन लेंगे, जो 20% का जो साइन होता है, जिस तरीके से आईसीए यानी इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट्स जो हैं वो उनके हितों को के खिलाफ जा रहे हैं, तो प्राइवेट बैंक्स के अंदर एक तरीके का इनफॉर्मल कंसेंसस बन गया है या एक आम सहमति बन गई है, लेकिन अभी वो इनफॉर्मल है, तो ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। चलिए हम इसको आगे चलते हैं। और ये बहुत स्टेप के तौर पे देखा जा रहा था, तो उनका जो व्यू है वो ये है कि जिस तरीके से स्टेट रन बैंक है, मैं इस पर एक फीचर तैयार कर रहा हूँ, मैंने इस पर काफी स्टडी किया, तो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स में काफी बड़ा फ्रॉड देखा गया, 28% का राइज देखा गया है, तो उसमें पूरे आंकड़ों के साथ मैं उस पर डिस्कस करूंगा। तो स्टेट रन जो बैंक हैं आपके, तो उनके पास बिगर एक्सपोजर है, तो वो कॉल करेंगे, और शॉर्ट रन क्राफ्ट जो आईसीएस के अंदर है, जो लीड करता है एक तरीके की बुरी सिचुएशंस को, या एक तरीके का गैप क्रिएट कर जाता है जो एग्जिट बैंक अगर करते हैं, तो प्राइवेट बैंक्स अगर रिकास्ट प्रोसेस, तो इसमें देखा गया है, तो स्टेट बैंक्स, स्टेट रन बैंक्स यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स को लेकर इसमें एक राय नहीं है। चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए हम इसको पार्ट टू में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।